सो गाइस आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं 2022 के अंदर सारी KTM की ड्यूक बाइक्स को, ड्यूक 125, ड्यूक 200, ड्यूक 250, जितनी भी यहाँ पर KTM की ड्यूक सीरीज आती है सबको यहाँ कंपेयर करने वाले हैं BS6 के अंदर। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया नेकेड बाइक्स आती हैं। ड्यूक सीरीज जो है वो नेकेड बाइक्स की सीरीज है, KTM के द्वारा बनाई जाती है इंडियन मार्केट के अंदर। यहाँ पर बात करें सबसे सस्ती ड्यूक आती है ड्यूक 125, 1,95,000 रुपीज़ इस बाइक का ऑन रोड प्राइस आता है। 125 cc का इंजन आता है, यहाँ पर सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम आती है, हेलोजन हेडलाइट क्लस्टर आता है, 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। सिटी के लिए काफ़ी बढ़िया बाइक है। अब चलते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ, यह है ड्यूक 200। मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पैसा वसूल गाड़ी है, 2,14,000 रुपये, 2,14,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस है इस बाइक का जयपुर के अंदर। हेलोजन हेडलाइट क्लस्टर आता है इस बाइक के अंदर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको LED DRLs देखने को मिलती है, LED इंडिकेटर्स आते हैं, 200 cc का इंजन आता है जो कि बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही स्मूथ है, बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस है। गियर शिफ्ट बहुत बढ़िया है, 6 गियर आते हैं बाइक के अंदर। डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम आता है, मतलब फ्रंट और रियर दोनों में यहाँ पर ब्रेक्स में ABS आपको देखने को मिलेगा। 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक है, 230 mm का रियर डिस्क ब्रेक है। काफ़ी यहाँ पर आपको कंफर्टेबल सिटिंग पोजिशन देखने को मिलती है। राइडर और पिलियन दोनों की बात करें, बट स्पेसिंग जो है वो पिलियन की सीट की ना कहीं थोड़ी सी अगर ज्यादा हो जाए तो बहुत ही शानदार हो जाएगा। ओवरऑल जो है इस बाइक का माइलेज आपको लगभग यहां पर 30 से 35 किलोमीटर का मिल जाएगा आराम से। ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत बढ़िया है इस बाइक को, डेफिनेटली अगर आप अच्छे से मेंटेन करें तो आप लंबे समय तक इस बाइक को बहुत ही इजीली रख सकते हैं। अब यहां चलते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ, जो कि है ड्यूक 250। क्रेजी लुक्स आते हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, प्रॉपर आपको ड्यूक 390 वाले लुक्स देखने को मिलते हैं। मतलब इस बाइक के अंदर मुझे नहीं लगता कोई भी कमी यहाँ पर है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर TFT आ जाए इसके अलावा। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा कंप्लीट LED हेडलाइट क्लस्टर देखने को मिलेगा ड्यूक 390 जैसा प्रॉपर, और आपको यहाँ पर LED DRLs देखने को मिलेगी बाइक के अंदर। फ्रंट में आपको जो ब्रेक है वो बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, 320 mm का डिस्क ब्रेक आता है। ब्रेकिंग मुझे पर्सनली इसकी ड्यूक 200 से काफ़ी बेटर देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर डुअल चैनल ABS बाइक में ब्रेकिंग सिस्टम आता है और सुपर मोटो के साथ आता है, मतलब जो रियर डिस्क ब्रेक है इसका ABS आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। साइड एग्जॉस्ट आता है, लुक बहुत बढ़िया आता है, पीछे से भी लुक में बहुत ही अच्छी लगती है बाइक। यहाँ पर जो सीट है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है और इस बाइक को चलाना बहुत आसान है। सिटी में भी आप आराम से इस बाइक को चला सकते हैं और लॉन्ग राइड्स पे भी आप इस बाइक को आराम से यूज़ कर सकते हैं। लगभग आपको यहाँ पर 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल जाएगा बाइक के अंदर। 2,000 से 2,500 रुपये के आसपास सर्विस कॉस्ट आती है, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इजी टू मेंटेन बाइक्स हैं। KTM की आप कोई भी यहाँ पर बाइक ले लीजिए, मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी रहती है, रिलायबल बाइक्स हैं, आप लंबे समय तक रख सकते हैं अगर आप इस बाइक को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखें, अच्छे से चलाएं। रैशली अगर चलाओगे तो देखो बाइक की लाइफ जो है वो कम होती है, बट अगर आप डिसेंटली बाइक को चलाते हैं तो बाइक की लाइफ डेफिनेटली एक अच्छे समय तक आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर अब चलते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ, जो कि है ड्यूक 390। अगर ड्यूक 390 की बात करूँ यहाँ पर, दिस इज़ अ प्योर बीस्ट, 373.33 cc का इंजन आता है, बहुत ही क्रेजी पावर आती है, क्रेजी यहाँ पर टॉर्क देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया आपको TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है, स्लिपर क्लच देखने को मिलता है, कॉर्नरिंग ABS देखने को मिलता है, मतलब लोडेड विथ फीचर है ये बाइक। एंड मेरे हिसाब से अगर आप एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जो कि पावर में बहुत ही खतरनाक हो और एक सुपर बाइक जैसी बाइक हो, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर ड्यूक 390 डेफिनेटली लेनी चाहिए। इसकी प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा है, मेरे हिसाब से 3,51,000 रुपीज़ की ऑन रोड प्राइस आती है इस बाइक की। बट हाँ, अगर आपको उतने ज़्यादा मज़े चाहिए बाइक में तो आपको उतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे ही, बट मेरे हिसाब से तो बहुत ही शानदार बाइक है अगर उसकी प्राइसिंग के हिसाब से भी बात करी जाए। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत और यहाँ पर बाइक्स के बारे में, तो देखो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ड्यूक 200 और ड्यूक 250 सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक हैं, पैसा वसूल गाड़ी हैं। देखो अगर आपका बजट कम है और अगर आप ड्यूक 125 लेना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा पैसा ऐड करके एक बेटर बाइक ले लो, वो है ड्यूक 200। और अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसके अंदर आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाए, पावर भी बढ़िया हो, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर लुक्स आते हो, तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली यहाँ पर ड्यूक 250 लेनी चाहिए। दो कलर्स आते हैं यहाँ पर ड्यूक 250 के अंदर, एक ये काफ़ी बढ़िया ऑरेंज आपको एलिमेंट देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पर एक सिल्वर कलर में आती है, मेरा पर्सनल फेवरेट सिल्वर कलर है। एंड यहाँ पर जो ड्यूक 200 है इसमें भी दो कलर्स आते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑरेंज कलर और ये है वाइट कलर। मुझे वाइट कलर जो है ज़्यादा बेटर लगता है ऑरेंज कलर से, बिकॉज ओवरऑल इसका जो डिज़ाइन एस्पेक्ट है वो काफ़ी बढ़िया निखर के आता है, इसका जो कलर
कलर है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है रोड्स पे। सो गाइस आज की वीडियो थी ऑल अबाउट द ड्यूक कंपैरिजन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आपकी फेवरेट KTM की ड्यूक बाइक कौन सी है सारी KTM ड्यूक बाइक्स में से, ये भी आप जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, वीडियो को शेयर जरूर करेगा, चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ लिख क्या होगा throttle_98 का हैंडल है। मिलते हैं आप सभी वीडियो में, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इट, सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ, बाय।